हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी भी सुख बने हुए हैं। एके मिश्रा साहब, आपने एक एक मिनट सभी नेताओं को सुना, आपकी क्या एनालिसिस अभी तक निकल कर सामने आती है इस यात्रा को लेकर? देखिए, कांग्रेस के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक मौका था, भारत जोड़ो यात्रा। बाद में हम और इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि ठीक है, कन्याकुमारी से शुरू करके पहले ये भारत जोड़ो यात्रा थी, दिल्ली आते आते सारे समाचार चैनलों को, न्यूज़ को देखने के बाद मुझे ये लगा ये भारत जोड़ो यात्रा के जगह बल्कि ये था कि दिल्ली की गद्दी छोड़ो यात्रा दिल्ली में परिवर्तित हो गई। यूपी में घुसने के पहले सारे विपक्षी दलों को न्योता देने का मतलब, या मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यूपी आते आते ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा से हट करके विपक्ष जोड़ो की यात्रा बनती चली जा रही है। 3000 किलोमीटर तक अगर आपने किसी विपक्ष को पूछा नहीं, कभी जिक्र नहीं किया, पूरे हिंदुस्तान को मजा बांटते हुए देते हुए राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर की यात्रा की, तो ऐसे क्या रीजन है कि यूपी में आकर के सारे विपक्ष को जोड़ने की बात इनको यहाँ पे एकाएक इनके दिमाग में आ गई, इनोवेशन आ गया। तो ये बहुत दूर तक जाने वाली बात है और इसको बहुत बहुत चिंतन करने वाली बात है जो डिबेट के अगले खंड में हम करेंगे। प्राइमा फेसी मुझे ये लगता है यूपी में घुसने के पहले ही भारत जोड़ो यात्रा परिवर्तित हो गई किसमें? विपक्ष जोड़ो। अब राजनीतिक मंशा सामने आने लगी है, भारत की एकता और अखंडता जो थी वो अभी खत्म हो गई, अब इस यात्रा से राजनीतिक मंशा क्लियर हो गई है कांग्रेस की। जी, मतभेद और मनभेद दोनों उभर के सामने आ गए, डिस्प्यूट सामने आ गया। बिल्कुल, कांग्रेस बोल रही है ये गैर राजनीतिक भारत जोड़ो यात्रा है, विपक्ष बोल रहा है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की व्यक्तिगत यात्रा है। तो मतभेद और मनभेद विपक्ष का दोनों आ गया, ना मन मिल रहे हैं ना मत मिल रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपके मत मिल रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा है तो आप शामिल होइए, और अगर मन मिल रहा है तो अभी शामिल होइए। कुछ भी नहीं मिल रहा है, आप लोगों ने बोल दिया ये व्यक्तिगत है, मतलब विपक्ष की कोई भी पार्टी कांग्रेस के झंडे के नीचे नहीं आने वाली है। और उसके बाद आप हमसे कहेंगे कि नहीं आप दावत खाने तो आपको आना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, आप मत आइए ना, ये हम थोड़ी बोल रहे हैं, आप इसी चीज को मान लीजिए कि ना आपका मत मिल रहा है ना मन मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब ना आपका मत मिल रहा है ना मन मिल रहा है, हमें यात्रा से आप जाइए या मत जाइए, भाई हम एक सिमिलर लाइन पे राजनीति कर रहे हैं शायद, पर हमारी विचारधारा तो एक नहीं है ना। बस यही चीज तो मैं बोल रही हूँ, बात हो रही है मेरे मुंह की, बात आपने छीन ली, शायद पहली बार किसी ने ऐसा किया होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, अभी अभी राजकुमार भाटी साहब यही कह रहे थे ना कि हमारे मुद्दे भी यही है, हम इसी पर अपनी बात उठा रहे, किसानों की बात हम उठा रहे। हमारे मुद्दे सिमिलर हो सकते हैं पर हमारी कहीं ना कहीं विचारधारा अलग अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, ये राजनीतिक दल है, अगर विचारधारा अलग है तो मुद्दे भी अलग होंगे सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए, अगर विचारधारा अलग है तो मुद्दे भी अलग होंगे, क्रियान्वयन करने का तरीका भी अलग होगा। नहीं कह रहे आप गलत कह रहे हो, विचारधारा जो होती है वो बैकबोन होती है सर किसी पार्टी की, मजबूत करने की बात कर रहे हो। अगर आपकी विचारधारा अलग है तो मुद्दे सेम कैसे हो सकते हैं? भारत जोड़ने की बात कर रहे हो, चलिए ठीक है, ये बताइए ना जी। हाँ, ये जो यात्रा निकाली गई है, आप तो बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुझे लगता है आप तो बेहतरीन से विश्लेषण आपको कर लेना चाहिए था। किनके खिलाफ यात्रा निकाली गई है? किसने इस देश का माहौल बिगाड़ रखा है? किसने भारत को तोड़ दिया है जो दोबारा जोड़ने की आवश्यकता हो? मैं अनुज जी आपकी बात से सहमत हूँ, मैं मानता हूँ कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। अगर आप हिंदू मुसलमान सारे धार्मिक संगठनों के नेताओं को बुलाते तो सामाजिक समरसता ज्यादा अच्छी रहती। मैं तो बोलता हूँ बीजेपी का भी हृदय परिवर्तन कर दीजिए, जो आपके हिसाब से नफरत फैला रहे हैं सारे एक साथ बोलेंगे तो चर्चा नहीं होगी। आप थोड़ा चर्चा अनुज जी, कांग्रेस ने भी कसम नहीं छोड़ी थी, एक एक करके चर्चा। एके मिश्रा जी, मेरा सीधा सवाल इस वक्त आप ही से है कि आपने सभी की चर्चा सुन ली, लेकिन लगातार चर्चा के बाद में यही समझ में आ रहा है कि सपा, बसपा और आरएलडी कहीं ना कहीं दूरी जरूर बना रही है, वैचारिक मत तो मिल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं साथ खड़े होने से या फोटो खिंचवाने से दूरी जरूर बनाई जा रही है। एके मिश्रा जी, देखिए, इस डिबेट से अभी जो बातें हुई हैं एक चीज क्लियर हो गई है, कांग्रेस या विपक्ष में मतभेद भी है और मनभेद भी है, हमारे मित्र लोग चाहे जो भी बोले। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इतनी अच्छी यात्रा चल रही थी, मैं अनुज अत्रे जी को संबोधित करके बोलता हूँ, दिल्ली तक बड़ी सक्सेसफुल यात्रा चली, मैं मान लेता हूँ। लास्ट फेज में जाके पता नहीं दुर्भाग्य है या क्या है, फजीहत कराने वाली बात, आपने निमंत्रण दे दिया, अब कोई विपक्षी आपका सहयोगी पार्टी ये बोले कि भाई मेरे पास एक घंटे का भी समय नहीं है, इसका मतलब कि राहुल गांधी को देने के लिए, कांग्रेस के हेड को देने के लिए मेरे पास एक घंटे का भी समय नहीं है, तो इतनी बड़ी फजीहत सारे नेता लोग यानी सपा बसपा ये सारे लोग कर रहे हैं,
तो ये तो बहुत बड़ा डेंट जो है कांग्रेस और राहुल गांधी की इमेज को पहुंचा। इससे बेहतर तो ये होता 3 दिन और कर लेते, खत्म हो जाता, बाद में गठबंधन वगैरह का करते, इनके प्रभाव से आकर के जो है प्रभावित होते तो अपने आप हुआ थे गठबंधन बनाने के लिए। एक मिनट मैं पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दूं, ठीक है ना। एक तो हमने समय की कमी नहीं बताई है, हमने ये नहीं कहा है कि हमें राहुल गांधी जी को देने के लिए 1 घंटे का समय नहीं है। हमने कहा है कि उनका दल अपना है, वो उनकी अपनी यात्रा है, उनको शुभकामनाएं हैं और वो अपनी यात्रा निकाल लें। हाँ तो मानते तो है ना कि किसी प्लेटफॉर्म पे एक नहीं है, आप अलग हैं, क्लियर स्टैंड, आपकी पार्टी और उनकी पार्टी अलग है। किसी ने बोला कि हमारा, किसी ने ये बोला कि भाई हमारा शेड्यूल है दूसरा, जवाब देने दीजिए जरा। और कांग्रेस एक हो गई क्या, मतलब ये आपको किसने बता दिया, कौन सा कंट्रोवर्शियल हकीकत है सर, ये कंट्रोवर्शियल लाइन थोड़ी है। ठीक है, वापस आइए। अगर अगर कोई भी पार्टी 1 घंटे भी देने के लिए इतने नखरे दिखा रही है, चलिए ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्टी 70 साल की पार्टी, उन्होंने छोटे छोटे दल उसको बोला कि हमारे पास समय नहीं है, शुभकामनाएं, केवल मुंह से काम चला रहे कि हमारी शुभकामनाएं, ठीक है, और अपने शब्द में कांग्रेस के ऊपर डाल दोगे, राहुल गांधी जी को देने के लिए हमारे नेता के पास 1 घंटा नहीं। किस तरीके से कांग्रेस को लेते हैं ये सोचने वाली बात है। ठीक है, एक अच्छी बात है, कांग्रेस के लिए अलग है, कांग्रेस पार्टी की बात है, ये कांग्रेस के लिए शुभकामनाएं दी है कांग्रेस पार्टी को। नया शाली जी आने में कुछ नहीं उनकी सक्षम हो पाए तो विनम्रता से उन्होंने अपना कोई ना कोई कारण बताया, लेकिन जिस तरह की आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि सब सम्मानित दल हैं और आप एक चैनल पे बैठ करके इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना कीजिए। मैं पान की दुकान पे तो नहीं हो रही और ना किसी आप इस तरह के सरचाप लोगों के लिए कर सकते हैं। मैंने ये बोला मतभेद और मतभेद उभर करके सामने आ गए हैं, इस तरह से बोला। आप मुझे ये बताइए इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सारे नेता लोग कांग्रेस ने किसको अपमानित किया और किसने कांग्रेस को अपमानित किया, एक घंटे डेढ़ घंटे एक दिन का समय नहीं दे सकते हैं कांग्रेस का इस निमंत्रण को? कांग्रेस ने निमंत्रण देके कोई गलती नहीं की है, कोई किसी को निमंत्रण दे रहा है तो केवल ये बोल देना क्लास 2 में जो तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, आप अरे आपके प्रदेश से जा रहा है तो आपको वहाँ पे उनके नेता को जाने में क्या दिक्कत है? ये तो बड़ी निष्ठुरता से और बड़ी चालाकी से दूसरे दलों के नेताओं ने ठुकरा दिया, बड़ी निष्ठुरता और बड़ी चालाकी से दूसरे दलों के लोगों ने आईना दिखा दिया कांग्रेस को। ये आप एके शर्मा जी चालाक आप होंगे, मुझे लगता है जो दल बैठे हैं वो उनको चालाकी और निष्ठुरता ये शब्द उनको अच्छे लग रहे हैं। हम विनम्रता से कह रहे हैं तरीके की आप बात कर रहे हैं, आप अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मत करिए, हमें क्या है जो दल बैठे हैं, हम तो किसी पार्टी के कोई नीति नियंता है नहीं। आप बनाइए, इतनी सक्सेसफुल यात्रा आपकी चली, लास्ट में 3 दिन के लिए फजीहत हो गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, ये आपकी सोच है, ये आपकी मानसिकता में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन बीच बीच में ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और इसीलिए तरह तरह के बहाने लगाए।